फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार जर्नी पे, और आज का टूर होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज हम जा रहे हैं डेजर्ट सवारी। और अभी हमें आई हुई है गाड़ी पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए थ्रिलिंग एंड एक्साइटमेंट से भरा हुआ ये व्लॉग, जिसमें हम आपको अपने साथ लेके चलेंगे डेजर्ट सफारी। और हमारे साथ डेजर्ट सफारी चलने के लिए आपको इस व्लॉग का एंड तक देखना होगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, जिन लोगों को नहीं पता, कि डेजर्ट सफारी का टूर करवाने के लिए जो कंपनी आप सिलेक्ट करते हैं, वही आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी देती है। आप अकेले भी जा सकते हैं, और अगर आप कम लोग हैं तो पार्टनरशिप में, यानी दो फैमिलीज मिलके भी जा सकते हैं। आज हम भी पार्टनरशिप में गए हैं, सो ये इजी है, बजट में आप अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। जिस जगह हम जा रहे हैं वो थोड़ी दूर है यहाँ से, और वहाँ रेड डेजर्ट है। Arabic sand like camel, mountains and bird. Only make desert like colorful desert, not a plain. And I make your name inside border. You add English name, I translate to Arabic. You add two name, three name border. And backside I'm a family trip. The boy don't be happy birthday. Mom is a lifetime glory. And I make your favorite color. I have more color. ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप आर्ट वर्क के थ्रू अपनी फ़ोटोज़ वगैरह सेफ रख सकते हैं। ऐसी चीज़ मैंने पहली दफ़ा देखी है, जो कि बहुत यूनिक भी है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस तरह से भी अपनी मेमोरीज़ को सेव कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बकाला देख रहे हैं, जहाँ से कुछ खाने पीने के लिए ले लें। अगर आप यहाँ बक्की पर राइड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये आप कर सकते हैं। अभी हम आगे जाएंगे डेजर्ट में गाड़ी में बैठ के, और अभी बस हम यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं। मर्जी है, अगर यहाँ पे अपनी राइड करनी है कर सकते हैं, नहीं तो आप इंजॉय कर सकते हैं खड़े होके। और कितना करारा सूरज है, लेकिन हवा भी चल रही है, इतनी गर्मी नहीं है। अभी आप ये देख रहे हैं कैमल आ रहे हैं, दोबारा गाड़ी में बैठ गए हैं। यहाँ से टायरों की हवा वगैरह निकालते हैं, उसके बाद डेजर्ट के अंदर लेके जाते हैं, और वहाँ पे डेजर्ट सफारी करवाते हैं। सो अब यहाँ से हमारी डेजर्ट सफारी की राइड शुरू होने वाली है। आई होप आप भी इस वीडियो को साथ साथ एंजॉय करेंगे।
अभी हम ड्यून बैशिंग करके पहुँचे हैं मिड ऑफ डेजर्ट। आप देख सकते हैं चारों तरफ डीप डेजर्ट है और यहाँ पर लोग इंजॉय कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। बहुत प्यारी हवा चल रही है और स्पेशली ये जो सनसेट है टूरिस्ट भी आए हुए हैं और सेल्फीज़ वगैरह ले रहे हैं, लेकिन डेजर्ट में जो सनसेट का मज़ा आ रहा है बहुत ही प्यारा व्यू है। लकीली हम बहुत ही अच्छे टाइम पे आए हैं कि हमें सनसेट भी अच्छी तरह देखने को मिल गया। और माशाल्लाह ये हवा को अगर आप सुन सकें तो इतनी प्यारी हवा चल रही है और ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई गाना गा रही हो। सो जी हमारी तरह आप भी इंजॉय करें इस व्यू को। हम आ चुके हैं बगी स्टेशन और यहाँ पे जो है वो गाड़ी की चेंजिंग हो रही है, थोड़ा फिल्टर विल्टर चेंज होगा और फिर इसके बाद हम जाएंगे कैंप की तरफ। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे एयर फिलिंग हो रही है और आप यहाँ पे तो बहुत सारी बगीज भी जो हैं वो आई हुई हैं। इन बगी का अपने मज़ा है, लेकिन इन बगी के लिए जो है ना वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो करते हैं, इसलिए ये आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं होगा। फ्रेंड्स अब हम जल्दी आगे हैं खाना खाने के लिए। काफ़ी लंबी हमने राइड की, तकरीबन आधा घंटा से पौना घंटा हमें लगा और फाइनली अब ये हमारा कैंप है जहाँ पे हम खाना खाने के लिए पहुँचे हैं। का नाम है योर ट्रिप। देखते हैं, भाई कह रहे हैं बहुत अच्छा कैंप है और इसका खाना भी बहुत अच्छा है, तो अंदर चल के आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फ्लावर एंड डेट सिरप, सम शुगर, शुगर फ्री है, कॉफी है, कॉफी इट्स स्ट्रांग राइट, वेरी स्ट्रांग, इट्स लव टू सरप्राइज। तो फ्रेंड्स कैंप में एंटर होने के साथ ही ये स्टॉल लगा हुआ है जिस पर उन्होंने एक डेजर्ट रखा हुआ है। ये एक्चुअल में अरेबिक डेजर्ट है, इसका नाम नहीं पता लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। इसके साथ ही वो कावा सर्व कर रहे हैं जो कि ट्रेडिशनल कावा है अरेबिक, और ये छोटे छोटे से कप्स हैं, अगर आपको और चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो पहले हमने ये स्वीट खाया, उसके बाद जी कावा लिया। यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं और अब जो हमारे गाइड हैं जो कंपनी की तरफ से हमें टूर के लिए गाइड मिले हैं वो हमें बता देंगे यहाँ पे क्या क्या स्टॉल्स हैं और हमारे पैकेज में कौन से आते हैं। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं डेजर्ट सफारी के कैंप में। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है वो अच्छी खासी रौनक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज है और क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं तो अभी जस्ट सिटिंग चल रही है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है वो आपको आइसक्रीम रोल मिल जाएंगी और आइसक्रीम रोल इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको एडिशनली चार्जेस पे करने होंगे। टी और जूस के जूस जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हिना
मेहंदी का एक वो टैटू मिल जाएगा, वन टैटू जो है वो फ्री है, एडिशनल के लिए आपको पे करना होगा। और शीशा बार के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक जो है वो लॉन्च बनाया हुआ है, उस लॉन्च में अगर आप शीशा पियेंगे बैठ के तो वो फ्री है, वो इंक्लूडेड है, लेकिन अगर आप टेबल पे ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ शॉप्स मिल जाएंगी, फ़ोटोशॉप मिल जाएगी, जो आप फ़ोटोशूट वगैरह करवाते हैं तो वो आपको USP में या जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वो है बुफे, बुफे अभी खुला नहीं है तो अभी थोड़ा सा टाइम है। और उसके साथ साथ है हमारे पास प्रीमियम लॉन्च, प्रीमियम लॉन्च जो है वो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, तो डेफिनेटली हम जो है वो रेगुलर वाले में आए हैं तो हमें जो है वो इंक्लूडेड है, ऑल सर्विसेज सेम होती हैं। जैसे उसमें ये होता है कि बुफे कुछ ऑल टाइम अवेलेबल होता है, जैसे अभी हमारा प्रिपेयर हो रहा है तो उनका अवेलेबल है, जस्ट लाइक दिस। और बाकी अभी जो है वो हम चलते हैं कैमल राइड की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कैमल राइड कैसी है, और इसके साथ साथ जो है वो सफ़ी आए एनर्जी के लिए जो है वो हम चलते हैं, एनर्जी ड्रिंक के लिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थोड़ा सा एनर्जी को बहाल करते हैं और फिर आपको जो है वो आगे दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये सेक्शन है हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी है और कैमल राइडिंग भी। कैमल राइड बिल्कुल छोटी सी स्पेस है, इसलिए जितनी स्पेस आपको नज़र आ रही है इसी में कैमल राइड होती है और आप फोटो वगैरह ले सकते हैं। लेकिन ये है कि हॉर्स राइडिंग जो है वो पैकेज में इंक्लूड नहीं होती, उसके लिए आपको अलग से पे करना होता है। अभी भी मैंने इनसे पता किया है तो ये अराउंड 20-30 हैं और बोल रहे थे कि लंबी, अच्छी खासी लंबी राइड है, तो आई डोंट नो कि कितनी लंबी राइड है, लेकिन ये है कि 30 AD में आपको जो है वो हॉर्स राइडिंग भी जो है वो अवेलेबल होगी। तो अभी टाइम हो गया है बुफे का खाने का, तो अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बुफे में क्या क्या शामिल है। फ्रेंड्स तो ये हमें मिला है फलाफल और शवारमा जस्ट फॉर हाई टी, तो क्योंकि अभी जो है वो डिनर रेडी हो रहा है तो हम थोड़ा सा इससे जो है वो अपने पेट को थोड़ा आसरा देते हैं और ताकि हम बाद में कुछ खा सकें, तो थोड़ी एनर्जी बहाल करते हैं फिर खाते हैं हम आराम से। तो अभी ये लेते हैं, इसके साथ लेते हैं हमें ड्रिंक, उसके लिए भी क्यू में लगना पड़ेगा, तो मैं ड्रिंक लेता हूँ फिर आप से लेते हैं। अभी एक परफॉर्मेंस ख़त्म हुई है, अभी बाकी शो बाकी है, और एक परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद उन्होंने हमारे लिए खाना खोल दिया है। और खाने में आप बुफे है, आप देख सकते हैं बॉयल्ड आलू, बहुत सारे किस्म के सैलड्स हैं। अब हम साथ साथ खाना डाल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। और यहाँ बच्चों के लिए हम पोटैटो ले रहे हैं। जैसे खाना खुला रश बहुत ज़्यादा था बिकॉज सब लोगों को भूख लगी हुई थी, इसलिए हम थोड़ी देर बाद आए, हमने तकरीबन 5 मिनट वेट किया कि थोड़ा सा रश कम हो ले और उसके बाद सुकून से खाना डालेंगे। खाना और खाने में जो हमारे पास ऑप्शंस थे उसमें स्पैगेटी मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की, और उसके बाद जी दालें हैं तो उसे दाल चावल,
और साथ है थोड़ा सा सैलेड और बारबेक्यू ऑप्शंस में आप देख सकते हैं एक दो टिक्के की सीख है और दो तीन कबाब की सीख है और साथ में भी ड्रिंक है और एक डेजर्ट है ये स्वीट बनाया हुआ था कोई। और अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं और खाते हैं। खाने के साथ ही जी शोर बड़ा शुरू हो गया है। चलें फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे जो है वो आज नाइट का शो ख़त्म हो गया है और हम जा रहे हैं घर वापस। तो आप देख सकते हैं कि सब लोग जा रहे हैं। तो अगर आपको आज का भी लोग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और स्पेशली बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट में कीजिएगा। थैंक यू।